अपने व्यस्त कार्यों को छोड़ के मुगलीपुर स्कूल में हमारा समय दिया। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि बच्चों के लिए दो सब लोग हैं, सब लोग तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर्वेश शुक्ला जी का और इस प्राथमिक विद्यालय मुगलीपुर की प्रधानाध्यापिका जी का, जिन्होंने मुझे आज 26 जनवरी के मौके पर जो है मुझे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लिखा गया, आज ही के दिन हिंदुस्तान का भाग्य रचा गया। आज जैसा कि मैं इस प्रांगण में उपस्थित हूँ, मैं सभी महानुभाव जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर और जनपद से आए हुए हैं, सभी अतिथियों का मैं जो हूँ सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को। मैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार एवं आशीर्वाद। इसी के साथ मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि संविधान में अपना विश्वास जताएं, संविधान में अपनी आस्था जताए रखें, लोकतंत्र में अपना विश्वास जताए रखें। अगर आप अपने लोकतंत्र में विश्वास नहीं जताएंगे तो फिर लोकतंत्र की जगह कोई और सिस्टम आएगा, हो सकता है कि उस सिस्टम में हम ना चल पाए। तो हम संविधान में विश्वास जताते रहें और अगर कुछ भी हमें बुरा लगता है कि ऐसा हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए हम किसी भी गलत रास्ते को ना अपनाते हुए आंदोलन का रास्ता ले सकते हैं, भूख हड़ताल का रास्ता ले सकते हैं। उस तरीके से हम अपनी बात को अच्छे तरीके से सरकार के समक्ष रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं, लेकिन बिना भी किसी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को या किसी भी पब्लिक संपत्ति को नुकसान बिना पहुंचाए हुए हम अपनी बात को रख सकते हैं। इस तरीके से हम संविधान के अनुच्छेदों में अपना बदलाव ला सकते हैं। यही मेरी शुभकामनाएं है सभी बच्चों को। पढ़ लिख कर सभी बच्चे जो है आज हम ऋषियों को जैसे याद कर रहे हैं, सारे शहीदों को याद कर रहे हैं देश के अंदर आज 26 जनवरी पर, तो ऐसे ही मैं चाहूंगा आप युवा हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप भी आगे भविष्य में बहुत बढ़िया नाम कमाने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, आदरणीय गांधी जी, नेहरू जी सभी के रास्तों पर चलते हुए एक जो है इनकलाब लिखेंगे इस नए हिंदुस्तान में। और सारा बच्चा जो है भगत सिंह बनना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद बनना चाहिए। मैं बस यही उम्मीद करूंगा, यही आशीर्वाद दूंगा, सत्य के रास्ते पर चलें, सत्य को फॉलो करें और भ्रष्टाचार को बिल्कुल दूर करें। भ्रष्टाचार हम सब में सिंगल है, हम सब में इंडिविजुअल होता है। हमें कोई काम करवाना होता है तो हम जाकर के 100 रुपए ज्यादा दे देते हैं पहले हमारा काम हो जाए। तो भ्रष्टाचार कहीं कोई डिब्बे में बंद चीज नहीं है, जिसको खोल दिया जाएगा चिड़िया की तरह उड़ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इंडिविजुअल अपने अंदर से खत्म करना है, सही रास्ते पे चलना है। और छोटे बच्चों को मेरा मैसेज है, अच्छे से स्कूल आए, बढ़िया जो है मेंटेन होके स्कूल आए, बढ़िया अपने बालों को कंघी करके आए, बढ़िया से साफ सुथरा चेहरा करके आए, नहा के आए बढ़िया तरीके से, जूते मोजे पहन के आए ठंड में, बढ़िया कॉलेज से जो स्वेटर आपको मिले हैं उन स्वेटरों को आप पहन के आए और पहन के आ भी रहे हैं इस समय। जो बच्चे घर के स्वेटर पहन के आ रहे हैं वो कॉलेज वाले स्वेटर जो है घर से निकाले अपने, उनको पहन के आया करें कॉलेज के अंदर, है ना। ठंड में दस्ताने पहन के आए सारे बच्चे, कैप लगा के आए बढ़िया सुंदर सा, डेली स्कूल आए सब बच्चे और बढ़िया पढ़ाई करो खूब मन लगा करके। यही मेरी शुभकामनाएं जो है यहाँ के सारे बच्चों को है, यहाँ के सारे जो ग्रामीण और जो भी अतिथि हैं इस नगर जो है ग्राम सभा के, मैं सभी से उम्मीद करूंगा सभी स्कूल संचालन में बढ़िया तरीके से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और समय समय पर अपने सुझाव भी देते रहेंगे और स्कूल में अच्छी चीजें अप्लाई करते रहेंगे। एक बार फिर से यहाँ के प्रधानाध्यापिका जी को आदरणीय जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। इसी के साथ हमारे अतिथि आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी जो लखीमपुर जनपद के प्रमुख समाजसेवी भी हैं, कई सारे अभियान भी चला रहे हैं, पॉलीथिन को यूज ना करें उसका भी अभियान चल रहा है, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जिस पर देवी देवता प्रिंटेड है उनका बहिष्कार करें जोरों से, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी सामान ऐसा आप खरीदते हैं जिसपे भगवान की फोटो छपी है तो उनको दूर हटाएं, ऐसे कुछ बहुत बड़े आंदोलन आप लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद है मेरी तरफ से। और इसी के साथ आदरणीय सर्वेश शुक्ला जी जो पत्रकार भी हैं पेशे से, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जो कुछ भी सही होता है उसको वैसे ही छापते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे जो है समाज को एक बल मिलता रहे और आप ही के सहारे जो है हम सब जो है लोकतंत्र और जो है पत्रकारिता का जो खंभ है इस देश के अंदर चौथा जो है जिसमें हम आस्था अपनी जताते रहे। इसी के साथ एक बार फिर से सभी ग्रामवासियों को, सभी स्कूल की कार्यकारिणी को, प्रधानाध्यापिका जी को, आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी को, सभी ग्रामवासियों को, सभी बच्चों को, आदरणीय सर्वेश शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद 26 जनवरी के अवसर पर। बहुत बहुत